कंपेयर करेंगे दो फोन्स को, एक है Realme 8 Pro और एक है Redmi Note 10 Pro Max और देखेंगे कौन सा फोन बेस्ट रहेगा आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइस की। Realme 8 Pro मिलेगा आपको 17,999 रुपए का, जिसमें कि आपको मिलेगा 6GB रैम, 128GB का इंटरनल मेमोरी और 20,000 रुपए में आपको मिलेगा 8GB रैम और 128GB का इंटरनल मेमोरी। यहीं पर अगर हम लेते हैं Redmi Note 10 Pro Max को तो ये आपको मिलेगा 6GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी के साथ 18,999 रुपए के आसपास। और इसके अलावा 21,999 में आपको मिलेगा 8GB रैम और 128GB का इंटरनल मेमोरी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर प्राइस 2,000 रुपए के आसपास का फर्क है प्राइस में। यानी कि 6GB और 128GB यहाँ पे आपको मिलेगा 17,999 रुपए का और वहीं पर 6GB और 64GB के साथ आपको मिलेगा 18,999 रुपए का। वहीं पर अगर आप देखते हैं 8GB और 128GB रैम के इंटरनल मेमोरी के साथ तो आपको मिलेगा 19,999 रुपए का और वहीं पर Note 10 Pro Max मिलेगा आपको 21,999 रुपए का 8GB और 128GB इंटरनल मेमोरी के साथ। दोस्तों इसके अलावा दोनों के लुक का फर्क है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे आप Redmi जो है उसमें यहाँ पर डेयर टू लीप ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ है, और यहाँ पे आप देखेंगे Realme का जो फोन है इसमें लिखा हुआ है डेयर टू लीप। तो ये अपना डिजाइन है कि भैया आपको कौन सा लुक पसंद आता है। अगर आपको लगता है कि डेयर टू लीप लिखा हुआ अच्छा लग रहा है तो आप ये फोन देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं डेयर टू लीप लिखा हुआ इतना अच्छा नहीं लग रहा, आपको लगता है कि थोड़ा प्लेन लुक में लेना चाहिए, तो Redmi का फोन Redmi Pro Max आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखते हैं कलर, येलो कलर और विंटेज ब्रॉन्ज। यानी कि आपको Realme का फोन Realme 8 Pro इस तरह के में मिलेगा येलो कलर में, डे टू लीप इसमें भी लिखा हुआ है इस तरह का लगेगा दिखने में कुछ कुछ, और विंटेज ब्रॉन्ज में Redmi 10 Pro Max कुछ ऐसा लगेगा दिखने में। अगर आप देखते हैं ब्लू कलर में तो इसमें ग्लेशियल ब्लू आता है जो कि कुछ ऐसा लगेगा, यानी कि थोड़ा लाइट ब्लू जैसा कलर है। और इन्फिनिट ब्लू को आप देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा शाइनी लग रहा है इन्फिनिट ब्लू। तो ये कलर का फर्क है दोनों फोन के अंदर। और इसके अलावा आप देखते हैं इनमें पंच होल का फर्क है, यानी कि इसमें Redmi Note 10 Pro Max उसमें बीच में बना हुआ है पंच होल, और जो Realme का 8 Pro है इसमें साइड में बना हुआ है पंच होल, साइड में देख सकते हैं आप पंच होल बना हुआ है इसके अंदर। इसके अलावा हम बात करते हैं डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो डिस्प्ले है स्क्रीन साइज थोड़ा बड़ा है, 6.67 इंच का स्क्रीन है इसका, और जो Realme का फोन है इसमें 6.4 इंच का स्क्रीन मिलता है आपको। इसमें PPI पिक्सल पर इंच देखते हैं 395 मिलेगा आपको Redmi Pro Max का, और Realme के फोन में मिलेगा आपको 411 का पिक्सल पर इंच। तो यहाँ पर पिक्सल पर इंच जरूर इसके ज्यादा है लेकिन इसका स्क्रीन साइज छोटा है। 10 Pro Max के अंदर आपको मिलेगा Snapdragon 732 प्रोसेसर, और वहीं पर Realme के फोन में Realme 8 Pro में आपको मिलेगा Snapdragon 720G का प्रोसेसर। इसके अलावा अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, जैसे बहुत ज्यादा धूप है आप अपने फोन का ब्राइटनेस फुल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको Realme 8 Pro देगा आपको 1000 nits तक का ऑप्शन, लेकिन Redmi 10 Pro Max आपको दे देगा 1200 nits तक का ऑप्शन, यानी कि ज्यादा ब्राइटनेस मिलेगी आपको Redmi Pro Max के अंदर। इसके अलावा Realme का जो फोन है ये आपको दे देगा ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, लेकिन Redmi Pro Max में आपको साइड में मिलेगा फिंगरप्रिंट सेंसर। तो यहाँ पे एक एडवांटेज मिलेगा Realme के फोन में कि उसमें आपको ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं तो Redmi Pro Max आपको देता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और Realme का फोन देता है आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, यानी कि रिफ्रेश रेट में Pro Max बेटर है और Realme 8 Pro उससे स्लो है। और इसके अलावा अगर आप टच सैंपलिंग रेट की बात करते हैं तो Realme का फोन आपको देता है 180 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट, और वहीं पर Pro Max देता है आपको 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कैमरे की बात करते हैं तो आपको मिलता है Realme के फोन में 108 मेगापिक्सल का कैमरा, वहीं आपको Pro Max में भी मिलता है 108 मेगापिक्सल का कैमरा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल के कैमरे दोनों के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है आपको Realme के फोन में, और वहीं पर आपको एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है Pro Max में। बेसिकली कैमरे से फर्क क्या पड़ेगा कि जब आप मैक्रो शॉट्स क्लिक करेंगे तो Mi Note में 5 मेगापिक्सल का टेली मैक्रो सेंसर दिया हुआ है जो कि आपको बेटर इमेजेस क्लिक करके देगा, और लेकिन 2 मेगापिक्सल वाला सेंसर भी अच्छा है लेकिन वो 2 मेगापिक्सल का सेंसर दिया हुआ है, 2 मेगापिक्सल का फोटोग्राफ क्लिक करेगा वो, वहीं पर जो आपका Pro Max का जो फोटोग्राफ है वो 5 मेगापिक्सल का आएगा। और दोस्तों अगर आप वीडियो की बात करें तो दोनों ही कैमरे 4K 30 फ्रेम पर सेकंड पे वीडियो बनाते हैं, और दोनों ही कैमरे 1080 वीडियो बनाते हैं 60 फ्रेम पर सेकंड के साथ, और दोनों ही कैमरों में फुल HD में स्लो मोशन 120 FPS का ऑप्शन भी मिल जाएगा। और अगर आप यूनिक कैमरा फीचर्स की बात करें तो आपको यूनिक कैमरा फीचर्स में Note 10 Pro Max में आपको मिलेगा क्लोन वीडियो फीचर। क्लोन वीडियो फीचर क्या होता है, जैसे इस तरह की वीडियो आ जाएगी जिसमें कि आप अलग अलग जगह पर बैठे हुए हैं पर लगेगा जैसे कि वीडियो में आप 2-3 दिखेंगे, ऐसा लगेगा जी 2-3 है आप, तो क्लोन वीडियो फीचर मिल जाएगा आपको Mi के अंदर। और ऐसे ही अगर आप बात करते हैं
रियलमी के यूनिक फीचर के बारे में, कैमरा के यूनिक फीचर के बारे में, तो इसमें मिलेगा स्टारी नाइट का टाइम लैप्स वीडियो। यानी कि अगर आपको स्टार की फोटोग्राफ या इस तरह की चीजें अच्छी लगती है, स्टार की वीडियो अच्छी लगती है, टाइम लैप्स वीडियो अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पर आपको टाइम लैप्स वीडियो का ऑप्शन मिल जाएगा रियलमी 8 प्रो के अंदर। रियलमी का जो फोन है वो फास्ट चार्जिंग दे देगा आपको, क्योंकि इसके अंदर मिलेगा आपको 50 वॉट सुपर डार्ट वायर्ड चार्जिंग का ऑप्शन, जो कि 50 मिनट के अंदर आपके फोन को फुल चार्ज कर सकता है। और जब आप नोट 10 प्रो मैक्स की बात करते हैं, तो इसमें मिलेगा आपको 33 वॉट का चार्जिंग, जिसमें कि ये 100% चार्ज होने में 1 घंटा 30 मिनट तक लगा सकता है। दोनों ही फोन्स की खास बात है कि दोनों ही फोन्स के अंदर आपको 108 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है, और दोनों ही फोन्स के अंदर सैमसंग आइसोसेल HM2 का प्राइमरी सेंसर लगा हुआ है। Redmi Note 10 की खास बात यह है कि इसके अंदर आपको मिलेगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, जिससे कि आपका एक्सपीरियंस रहेगा गेम वगैरह खेलने का या फोन यूज करने का वो ज्यादा स्मूथ रह सकता है। और जो आपका Realme 8 Pro दिया हुआ है, इसमें आपको 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले दिया हुआ है, तो यहाँ पे एडवांटेज मिलेगा Redmi Pro Max को, वहाँ पे आपको ज्यादा स्मूथर एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको HDR 10 का सपोर्ट नहीं मिलता है Realme 8 Pro के अंदर। और इसके अलावा Note 10 Pro में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, यानी कि स्टीरियो स्पीकर्स आपको नहीं मिलते हैं, मोनो स्पीकर्स मिलते हैं आपको Realme के फोन में, लेकिन यहाँ पर Redmi के फोन में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे। बेसिकली इससे ये एडवांटेज रहेगा Redmi Note 10 Pro Max को कि इससे आपका ऑडियो और वीडियो का जो एक्सपीरियंस है वो बेटर रहेगा Redmi Pro Max 10 के साथ। तो दोस्तों ये थे दोनों फोन्स के एडवांटेजेस और वीक पॉइंट। तो यहाँ पर देखा जाए तो डिस्प्ले साइज वगैरह के हिसाब से आप देखते हैं तो डिस्प्ले का जो साइज है, उसका रिफ्रेश रेट है, ये सब चीजें, और कैमरा देखते हैं, तो आप यहाँ देखते हैं कि Redmi को ज्यादा एडवांटेजेस हैं। बाकी आप प्रैक्टिकल यूज करके देखिए, आप बाकी रिव्यूज देखिए, आपको कौन सा फोन बेटर लगता है इन दोनों में से, आप उसको चूज करिए। और ये थे ओवरऑल दोनों फोन्स के एडवांटेजेस और वीक पॉइंट्स। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।